डर भी रहा है। आवाज आई थी सर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गया आज मैं एक नई वीडियो लेकर, और अभी मैं आ गया हूँ स्नेक हाउस में। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फिश एक्वेरियम, जो कि जू में ही है देहरादून में। तो अगर आप भी आना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ तो आ सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको सारे स्नेक दिखाऊंगा जो जो यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ये पाइथन है, ये है रॉक पाइथन। और ये जो भी पाइथन है ये ज़्यादातर डिस्कवरी में ही देखे हैं आज तक हमने, पहली बार ये देखा है यहाँ पर जू में। और ये जो दूसरा अजगर है ये है बर्मी अजगर, इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये रहा अजगर, ज्यादा है अजगर और कोबरा, बहुत सारी प्रजातियाँ, और ये विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ सारी, इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है दिखाने के लिए। आमतौर से ये दिखता नहीं है लोगों को, ये तो डिस्कवरी में दिखेगा ही यहाँ। ये है इंडियन कोबरा यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा, वो रहा वो सामने। ये रहा, जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा पेड़ के अंदर एक तने रखे ना, ये नकली होंगे तने, नहीं ये तो असली है इसके ये। और ये है तीसरा पाइथन, रेटिकुलेट पाइथन, जो कि यहीं पे सो रहा है। और इसका आप पैटर्न भी देख सकते हो कितना सही लग रहा है। ये है बाल पाइथन, है कहाँ ये देखो कलर, देखो कितना सही लग रहा है इसका, येलो और वाइट में ऐसा लग रहा है सो पीस होगा। ये देखो ये यहाँ पर भी एक सांप है, कहाँ है सब सो रखे हैं। अरे ये तो रहा, ये पीछे ये रहा, ये लकड़ी के अंदर सा रहा है, ये देखो इसको, इसको वो है मतलब तब सबसे एक्टिव यही है यहाँ, सब सो रहे हैं यही जगह है। वो दीवार पे चढ़ गया दीदी। अरे 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 ये 4 मीटर से क्या लगा है, इतना ऊंचा चढ़ सकता है क्या? नहीं ये मुझे लगा इसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता होगा ना, किस टेम्परेचर में सांप रहेगा तो उससे नापने के लिए कि कितना कमरे का टेम्परेचर है अभी। अरे भूख लग गई इसको, ये क्या कर रहा है, ये कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बहुत सही लग रहा है भाई, ये देखो चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, बाहर आएगा क्या? अरे पीछे हो जा, शीशा लगा नहीं तो आ जाता बाहर। देखो कैसे चढ़ रहा है सपाट दीवार पे भी, ये देखो कितना ऊंचा चढ़ गया, 3-4 मीटर चढ़ गया ऊपर है भाई, तो पत करके गिरेगा गिरेगा। अब पांव पकड़ने के लिए क्या है, उसे गिरना चाहिए, गिरेगा फर्क नहीं पड़ता इनको गिरने से। कहाँ गया यहाँ, नीचे आ रहा है ये देखो। हाँ ये देखो मटके के अंदर भी एक, इसका साथी है मटके के अंदर। डर रहा है, डर क्या कर रही है, क्या कर रहा है, डर रहा है, डर नहीं रहा ये भी। एक और है इसके, दूसरा मटका है ना इसके अंदर भी है, ये तो डर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये तो काटने के लिए आ रहा है भाई, शीशा नहीं होता काट देता, ये हो गया था। लेकिन ये जहरीला नहीं लग रहा है, नाग नहीं है, नाग तो ना फन फैलाती है। हाँ ये दूसरा है, पर जहरीला तो होगा ये, फिर वो भी था ना चूहे खाने वाले। हाँ वो इधर वही है ना, चूहे पक्षी कीड़े मकोड़े सब खाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इगुआना, ग्रीन कलर का, आराम से बैठा हुआ है, ये ज्यादा उछल कूद नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं एक जगह पे। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।